ये नवेद कहाँ रह गए, आजकल पता नहीं कहाँ रह जाते हैं। आए दिन नए दोस्त बनते रहते हैं नवेद के, और इस मर्तबा मुझे लगता है अच्छे दोस्त नहीं बनाए नवेद ने। ऐसा क्यों कह रहे हो अब्दुल बारी? क्योंकि मैंने गौर किया हूँ, नवेद ठीक से बात नहीं करते, और कुछ मर्तबा नवेद को बदतमीजी भी करते देखा हूँ मैंने। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। हाँ, हमें कुछ करना होगा अपने दोस्त की अच्छाई के लिए। हाँ, अब्बा कहते हैं बुरे दोस्तों से अच्छा है कि दोस्त हो ही नहीं। अम्मी ने भी यही सिखाया है कि अगर हम बुरे दोस्तों को अच्छा बना सके तो ठीक, वरना उनसे दूर ही रहना बेहतर है। अब्दुल बारी, सरफराज रुको। अब्दुल बारी, मैंने सोचा तुम लोग मेरे इंतजार में होंगे। अरे वाह, तुम खुद हमें छोड़कर कहीं भी चले जाते हो और हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। मैं कहाँ गया, मैं तो बाहर कुछ और दोस्तों के साथ कुछ देर मजे करने गया था। मजे करने गए थे? किन दोस्तों के साथ नवेद? मैं समझ गया नवेद, तुम किन के साथ गए होंगे। वो लोग कितनी बदतमीजी करते हैं और तुम उनके साथ थे। हम बदतमीजी नहीं कर रहे थे, हम तो बस। हाँ हाँ कहो, हम तो बस क्या। हमने बहुत मजा किया सरफराज, पीछे जो दुकान वाले हैं उन्हें बार बार चिढ़ा कर भाग रहा था एक दोस्त, और जब वो पीछे भागे तो दूसरे ने उनकी दुकान से कहीं चोरी तो नहीं किए? चोरी कैसी, हम तो मजे कर रहे थे। ये सब मजे कैसे हुआ, वो सब बहुत ही गलत किस्म के खेल करते हैं और बुराई भी करते फिरते हैं। क्या बुराई करते हैं? कल उनमें से एक ने तो अपने टीचर की बात भी नहीं माना और मुंह बनाकर चला गया। क्या हुआ था सरफराज? स्कूल की छुट्टी के बाद उनके क्लास टीचर ने उनको रजिस्टर रखने का काम दिए थे, लेकिन वो वहाँ से भाग निकला। अपने टीचर की बात कोई टालता है? अच्छा, तो ये बहुत बुरी बात है। इसमें क्या हुआ, मुझे तो ये भी मालूम है कि वो अपनी अम्मी अब्बा की बात भी नहीं मानता और सभी के साथ खेलने के वक्त बदतमीजी से पेश आता है, लेकिन मैं तो ये सब नहीं करता ना, मैं तो बस उनके साथ गया था। तुम्हें बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। दरअसल मैं भूल रहा हूँ, अम्मी ने एक हदीस पढ़कर सुनाए थे। वैसे तो कई हदीस है, और एक हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदमी अपने दोस्त के दीन पर चलता है, इसीलिए तुम देख लिया करो कि किसको दोस्त बना रहे हो। हम कैसे अपने दोस्त के दीन पर चलते हैं? हम अपने दोस्तों के साथ रहते रहते उनकी आदतें सीख लेते हैं और वैसा ही करने लगते हैं जैसे हमारे दोस्त करते हैं, सो उनका तरीका अपना लेते हैं, यानी उनके दीन पर चलने लगते हैं। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमें देखना चाहिए कि हम किन्हें दोस्त बना रहे हैं, अच्छे या बुरे। वाकई में हमें तो अच्छे दोस्त बनना चाहिए। हम अच्छे दोस्त बने नवेद, ताकि हमारे किरदार भी अच्छे रहे और बने। इससे मेरे किरदार का क्या है? हमेशा बुरों में रहने से वो बुरी आदतें हमारे अंदर भी आ जाती है, और जिनके अंदर बुरी आदतें रहे और उन्हें अपने अंदर की बुराइयों का एहसास भी खत्म हो जाए तो वो बुरे किरदार के हो जाते हैं। अब तुम ही समझा दो कि बुरी आदतें क्या होती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ। नवेद, दूसरों को सताना, बड़ों की बातें ना मानना, चिढ़ाना, हसद करना, चीटिंग करना, ये सब बुरी आदतें तो है। हाँ नवेद, हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, दूसरों के लिए दिल में बुग्ज, कीना, हसद और जलन नहीं रखना चाहिए। गाली देना, बुरा कहना, बिला वजह झगड़ना, ये सब बुरी बातें हैं, और ऐसा करते रहने से हम बद किरदार इंसान बन जाते हैं। हाँ, इस पर तो हदीस भी है ना अब्दुल बारी, मुझे याद नहीं, क्या तुम्हें याद है अब्दुल बारी? एक हदीस ये भी है जहाँ प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेशर्मी, बेहयाई और बद किरदारी की इस्लाम में कोई जगह नहीं है, बेशक बेहतरीन लोग वो है जिनका किरदार बेहतरीन हो। सोचो, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, हमें तो बेहतरीन किरदार वाले बनना है। ठीक है अब्दुल बारी, हम अपने किरदार को बेहतरीन बनाएंगे। इंशाल्लाह कहो नवेद। इंशाल्लाह। और साथ ही अपने अंदर अच्छाइयाँ लाने की कोशिश करते रहे हम, और दुआ करें अल्लाह सुभान व तआला से कि वो हमें हिदायत पर रखे और नेक व सवाले इंसान बनाए। आमीन। ठीक है अब्दुल बारी, मैं वैसे ही देर हो गया हूँ, हम कल मिलेंगे। ठीक है नवेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नवेद बुराइयों से बचेगा और खुद को बुराई से दूर रख पाएगा? हमें कोशिश करना चाहिए और साथ में दुआ करते रहना चाहिए, सबको हिदायत अल्लाह ही देते हैं। चलो हमें भी जल्दी जाना चाहिए, अम्मी इंतजार में होंगे। चलो हम असर से कुछ देर पहले मिलेंगे। ठीक है सरफराज, अस्सलाम वालेकुम। ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद जो ये एपिसोड अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि हम जो है फिर से एक एपिसोड नया एपिसोड जो पब्लिश कर सके, और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश रहेंगी एक के बाद एक नए जो एपिसोड्स आपके लिए हम फराम करते रहें इंशाल्लाह इसी तरह से। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों, इसमें हमने देखा बच्चे खास करके इस बात को ध्यान रखें कि हमें जो अच्छे बच्चों से जो दोस्ती रखनी है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी के अंदर कोई खामी रहे, बुराइयाँ रहे। जो हम इंसान है, कोई परफेक्ट नहीं होता है ना, तो अगर किसी के अंदर कोई खामी बुराई है तो हम उससे एकदम दूर हो जाए। इससे क्या होगा, हम दूरी इख्तियार कर लेंगे, है ना। जबकि इस्लाम हमें इसे कहता है कि हम लोगों को करीब ले अपने, तो उसके लिए हम उन्हें दीन समझाएं, अच्छी बातें सिखाएं, अदब तहजीब सिखाएं, है ना, बदतमीजी से कैसे दूर आ जाए, बुराइयों से कैसे दूर आ जाए, इन बातों को अपने दोस्तों को ये चीज़ें सिखाएं। और अगर इसके बावजूद हमारी हुज्जत हम उन्हें बताते हैं सिखाते हैं, उसके बाद भी कोई अगर ठीक होने को तैयार नहीं है तो हम उनसे जो है दूर हो जाए, क्योंकि हमें तो बिगड़ना नहीं है, है ना। क्योंकि हम जैसे दोस्त रखेंगे तो वैसी हमारी भी जो आदत होती रहेगी। इसमें हदीस हमने सुना कि किस तरह से जो इंसान सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो जिसके किरदार जो बेहतरीन है। तो हमें जो अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को बेहतरीन बनाना है। कैरेक्टर कितना अच्छा होना चाहिए हम लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अहले बाप, तमाम दुनिया वालों के लिए कैसे अच्छे हो सकते हैं। हमारे अंदर अदब तहजीब हो, हम जो है बड़ों की इज्जत करना सीखे, अच्छे काम सीखे, अच्छी बातें सीखे। तो उम्मीद है आप लोगों को एपिसोड पसंद आएगा। हम सभी लोग जो है, बड़े बच्चे सभी लोग इस हदीस पर जो है अमल बरपा होंगे इंशाल्लाह। और दुआओं की दरख्वास्त है दोस्तों, इसे शेयर करें ज़रूर, सब्सक्राइब भी करें इंशाल्लाह। जल्दी लौटेंगे नए एपिसोड, नए नए एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए जज़ाकअल्लाह खैर। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।